नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत है। रश्मि रथी, ये अद्भुत रचना, इसका दूसरा सर्ग आज मैं पढ़ूंगा। आप लोगों का स्नेह और प्यार बस ऐसे ही मिलता रहे, मैं इसे पढ़ता ही रहूंगा। दूसरे सर्ग में भगवान परशुराम के आश्रम की व्याख्या है, और वहाँ पे कर्ण और परशुराम के बीच में जो संवाद चलता है उसको दिनकर जी ने शब्दों में ढालने की कोशिश की, और क्या खूब की है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे फिर कभी ढाला जाएगा। शीतल विरल एक कानन शोभित आधिक्य के ऊपर कहीं उत्स प्रणत्सव चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उजट पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनकेत सुहाते हैं, शशक मूष गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे कुछ करते शिशु काल लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े दुष्ट सारे गोथन। सब आराम से हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये कौन सी जगह है, आखिर ऐसी कौन सी जगह है? ये तो व्याख्या की शुरुआत ही यहीं से होती है, अद्भुत तरीके से। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, और झपक रहे हूं शिशु के अलसित कदरारे लोचन जैसे। तो लग रहा है कि यहाँ पे हवन इत्यादि हुआ था और सब आराम से बैठे हैं, लेकिन हवन की खुशबू अभी भी भीनी भीनी हमारे प्राणों में आती है। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोममंथ करते हैं, वन में जीव विवर बाहर से विश्रभ विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल को, सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, और नीचे बिखरे हुए पेड़ इंगुद से चिकने पत्थर पत्थर। अजिन दर्भ पाशाल, अजिन दर्भ, अब देखिए वहां बता रहे कि वहां क्या क्या चीजें हैं उस जगह पे जहां पे कि लोग गए हैं, वहां असल में कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं। ये व्याख्या कर रहे हैं कि अजिन दर्भ पालाश कमकुंड कमल कमंडल, जो कमंडल होता है ना, हाथ में लोटा पानी भरते हैं, आपने देखा होगा तपस्वी लोगों के हाथ में। तो अजिन दर्भ पलाश कमंडल एक और तप के साधन। आश्चर्यजनक बात क्या है कि ये तो तप के साधन है, लेकिन जरा दूसरी तरफ क्या है ये भी ध्यान देना। अजिन दर्भ पलाश कमंडल एक ओर तप के साधन, एक ओर टंगे धनुष, दूसरी ओर धनुष भी है। अच्छा, एक ओर टंगे धनुष तुणीर तीर बरछे भीषण। आखिर इतनी खतरनाक चीजें इस आश्रम में क्या कर रही है? ये क्षत्रियों के यहाँ होनी चाहिए, यहाँ इस आश्रम में नहीं होनी चाहिए। तो कहते कि ये तो भीषण है। चमक रहा तुणी कुटीर द्वार पर परशु आभाशाली। अब ये परशु टंगा है, शायद परशुराम जी का आश्रम है। तो चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंडित चढ़ा पड़ा हो मानो अर्ध अंशु माली। अब आगे कहते हैं कि इसे देख के श्रद्धा मन में जागती है, यहाँ पूजा पाठ हवन, यहाँ तो श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन आगे सुनिए, श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। ये युद्ध भूमि है या तपोभूमि है समझ में नहीं आ रहा है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका उसके है क्या यह धनुष कटार, जिसका यहाँ हवन जिसने किया क्या उसी ने धनुष भी उठाया। जिस मुनि की यह शुरुआत उसकी कैसे हो तलवार। अरे मतलब इतना वेद ज्ञाता अगर कोई है तो वो तलवार क्यों उठाएगा? क्योंकि ये एक सामान्य परिकल्पना है कि ब्राह्मण हथियार नहीं उठाते, वो तो बस बातों को ज्ञान को यहाँ से वहाँ हर तरफ फैलाते रहते हैं। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को। अब ये प्रश्नवाचक है कि आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में दैहिक शक्ति जगाने को। मन में तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। कोई वीर
योगी से युक्ति तो नहीं सीखने आया है? तो ये कई प्रश्न एक साथ मन में चल रहे हैं। अब इसको कवि रामधारी सिंह दिनकर जी बड़े अच्छे शब्दों के साथ पिरो रहे हैं। ये इनके सबसे बड़ी खासियत है। या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। परशु और तपस्या ये वीर ही कर सकते हैं, कायरों के बस की बात नहीं, क्योंकि ये दोनों वीरों के ही श्रृंगार हैं। तो परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, और क्लीव न हो तप ही करता न तो उठा सकता तलवार। क्लीव न तपस्या करेगा न तलवार उठाएगा, ये तो वीरों के ही हैं। अच्छा, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं और क्या होता है। तो तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, और तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। तपस्या से मन के विकार दूर करते हैं, और युद्ध भूमि में तो तलवार ही काम आते हैं। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असि की पूजा करने वाला, कहता है इतिहास। कौन? इतिहास कौन कहता है? इतिहास कहता है, एक ही आदमी तो ऐसा हुआ है। तो कहता है इतिहास, जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, एक ही नर तो ऐसा हुआ है। तो कहता है इतिहास, जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल संक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। तप में महासूर्य जैसा, ये भगवान परशुराम ही हो सकते हैं, ये उन्हीं की कुटिया हो सकती है। पूरे इतिहास में उनके अलावा और कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ। ये भगवान परशुराम की ही कुटिया है। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप वर्ष और दोनों ही थे जिसके महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उस महामुनि परशुराम बलिशाली की, और भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती वीर प्राणपाली की। हाँ हाँ हाँ, सच में ये उन्हीं की है भाई। तो हाँ हाँ, वही कर्ण की जांघों पर मस्तक धरकर, अब जब अंदर ऐसा लग रहा है कि रामधारी जी अंदर आश्रम में चले गए हैं, देख रहे हैं, अरे हाँ ये देखो, यही तो कर्ण जांघों पर गुरु को लेटाए हुए हैं, लेटे हुए हैं गुरु उनकी जांघों पर। तो लिख रहे हैं, हाँ हाँ, कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। आश्रम से थोड़ा सा दूर पेड़ के नीचे आराम से सोए हैं कर्ण की जांघों पर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पूस के बाद माघ, तो माघ के महीने में धूप में बड़ा अच्छा लगता है सोना। तो पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, और पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में, मन मुग्ध हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृप्त पात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। गुरुवर मेरे सोते रहें उनको कच्ची नींद, कहीं उनकी टूट न जाए, इसलिए कर्ण पूरी तरह से तत्पर है कि कहीं से कोई भी अवरोध उत्पन्न ना होने पाए। वृद्ध देह, देह वृद्ध हो चुका है परशुराम जी का भाई, उन्होंने द्रोण को भी शिक्षा दी और भी बहुत महान लोगों को शिक्षा दी, अब तो वो वृद्धावस्था की ओर आ चुके हैं। तो वृद्ध देह तपसे कृषकाया, उस पर आयुध संचालन, भाई कर्ण को सिखाना है तो आयुध संचालन, और हाय बड़ा श्रम भार देव पर, असमय मेरे ही कारण। तो कर्ण कहता है कि इतना भार ये मेरी वजह से हुआ, मैं इनसे सीखने नहीं आता तो इन पे ये भार नहीं पड़ता, ये आराम से तपस्या करके अपना जीवन काट लेते। हाय पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और दिन रात मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। असल में भगवान परशुराम कर्ण को बिल्कुल अपने पुत्र की तरह मानते थे, और वो कीड़े वाला प्रसंग नहीं हुआ होता है जो कीड़ा काटता है कर्ण को, आपको आप लोगों ने महाभारत में पढ़ा होगा, तो शायद सदा सदा के लिए वो आश्रम में ही रख लेते कर्ण को,
और कर्ण भी शायद हमेशा के लिए चुप रहता, क्योंकि ऐसा प्रेम उसे दुर्योधन के बाद कहीं और मिला नहीं। पितृत्व का वो भाव कि कहीं और किसी गुरुकुल में कभी मिल नहीं सकता। तो परशुराम जी वास्तव में ईश्वरीय गुणों से भरे हुए थे, इसलिए साक्षात ईश्वर थे। कहते हैं, ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा मुट्ठी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में तो खून चलाता हूँ, मतलब रक्त, आपका रक्त एक पाव तो जला ही देता हूँ। तो इसलिए खाओ बेटा, तुम मेरे बेटे समान हो, कर्ण तुम बिल्कुल मेरे पुत्र हो, तो इसकी पूर्ति कहाँ से होगी। बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख यह सत्यानाशी, यह भूख बड़ी सत्यानाशी तुझे चबा जाएगी। नहीं, तुझे तो कठोर बनना है। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, और नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। तुझे इस तरह से होना है, प्रचंड होना है, प्रचंड। विप्र हुआ तो क्या, अच्छा अभी भी परशुराम जी को पता नहीं है तो विप्र ही कह रहे हैं। अभी भी कर्ण को कहते हैं विप्र हुआ तो क्या, कहते हैं तू ब्राह्मण का बेटा है तो क्या हुआ। तो विप्र हुआ तो क्या, रखेगा रोग अभी खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। चतुर्थ वय मतलब आश्रम व्यवस्था है। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को आप अगर पढ़ें, संस्कृति को पढ़ें, तो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ है, और चार वर्णों के अलावा आश्रम व्यवस्था भी हमारे यहाँ चलती थी, और वर्ण व्यवस्था के से पहले आश्रम व्यवस्था को हम मानते थे, आश्रम व्यवस्था में भी चलते थे। तो चार आश्रमों में जो अंतिम आश्रम है उसी की बात कर रहे हैं कि चतुर्थ वय, यानी जब सब कुछ सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना, घर परिवार सब कर लेना, तो सन्यास वाले आश्रम में जब जाना अंतिम मृत्यु के समय, उस समय ये कठोर तपस्या कर लेना। अभी करने की ज़रूरत नहीं, अभी तो बालक है तो अभी मत कर ऐसा। तो विप्र हुआ तो क्या, रखेगा रोग अभी से खाने पर, और कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हूँ, और जन्म साथ सिलोक्ष व्रत के ही क्या अनुरागी हूँ। क्या पैदा होते ही उनको लग जाना चाहिए, व्रत त्यौहार करने लगना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तू बालक है अभी। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण के घर, मोती बरसा वैश्य वैश्व में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। ऐसा नहीं होना चाहिए, खड़ग बड़ा उद्दत होता है। अब परशुराम जी कर्ण को कह रहे हैं कि सुन, ये जो खड़ग होता है ना, ये बड़ा गड़बड़ चीज है, लोगों को घमंड उत्पन्न करा देता है। तो भगवान परशुराम कर्ण से क्या कह रहे हैं कि खड़ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते रण के बाजे, और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन ब्राह्मण की, सुनता यहाँ कौन ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबी रही शोणित भू भूपों के लिप्सा रण की, और रण भी किस लिए, रण किस लिए करते हैं ये भी सोचिए। ऐसा नहीं कि समाज की भलाई के लिए, ब्रह्मांड की भलाई के लिए। सुनो बेटा कर्ण, आखिर ये रण किस लिए करते हैं ये भी सुनो, जरा मैं सुनाता हूँ। और रण भी किस लिए, नहीं जग के दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों, मानी हों, और प्रजाएं मिले वे और अधिक अभिमानी हों। समाज की भलाई के लिए रण नहीं करते, अभिमान है उन्हें, उन्हें लगता है बहुत ताकतवर हैं, विश्व विजेता बनेंगे, इसलिए रण करते हैं, मूर्ख कहीं के। तो रण केवल इसलिए कि वो कल्पित अभाव से छूटे, रण केवल इसलिए कि वो कल्पित अभाव से छूटे, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके, और अधिक लूटपाट मचाएंगे, कर लगाएंगे, पैसा बटवाएंगे, और भोग विलास में डूबेंगे, सिर्फ इसलिए रण करते हैं। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, और भूपों के विपरीत न कोई कहीं कुछ भी बोले, जो बोलेगा मरवा देंगे। तो इसलिए केवल रण करते हैं। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो
है यह दशा की जो कुछ है, राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, और धरे कुपथ पर जब ही पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके कि राजन आप गलत पथ पर जा रहे हैं। ऐसा ब्राह्मण अब नहीं है बेटा, अब सब डरे हैं, बस कृपा पाते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं, जीवन चलाते हैं। तो आज का जो हमारा तत्कालिक समाज है, चाहे वो भारत हो या विश्व का कोई भी कोना, सब जगह यही चल रही है डर की नीति। तो धरे कुपथ पर जब ही पांव हुआ तत्क्षण उसको टोक सके, और कहे भी तो ब्राह्मण की कौन बात सुन पाता है, ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज ब्राह्मण राजा द्वारा अपमानित होता है, या ये कहिए कि यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यदि पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। अब कौन सुनता है ब्राह्मणों की, ज्ञानियों की, विद्वानों की, पंडितों की बात नहीं सुनते, सिर्फ उनकी जो रक्तपात कर रहे हैं उनकी जय जयकार कर रही है, और जनता भी उन्हीं की जय जयकार कर रही है बेटा, सबकी नहीं, जनता भी उसी की जय जयकार कर रही है। सिर था जो सारे समाज का, कौन, ब्राह्मण। भगवान परशुराम कर्ण से कह रहे हैं कि सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ जाता है, और चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, और पाप भार से तभी धंसी जा रही धरा पल पल निश्चय, जा रही ये धरा पल पल निश्चय। जब तक भूभी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे, असन वसन के हीन दीनता जीवन धरने वाले, और सहकर भी अपमान मनुष्यता के चिंता करने वाले, कवि कोविद विज्ञान विराशित कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, और राजाओं के राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इनको मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, और चाहे जो भी हो और चाहे जो भी कर लो, ऐसा नहीं कि छूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं, नो, इट्स नेवर। तो चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी, और थकी जीव समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को, तब जा कर के भूप शस्त्र उठाएगा जैसे मैंने किया, और तब मैं सबको समाप्त करने के लिए खड़ा हुआ था। ऐसे ही समय समय पर जब भी समाज में इतनी ज्यादा गंदगी फैलेगी, कोई ना कोई जरूर आएगा, वो मन से, वचन से और ज्ञान के बल से भूप कहलाएगा, वही भूप कहलाएगा। तो भगवान परशुराम कर्ण को ये सब समझाते हैं अपने उसी आश्रम में, प्रेम पूर्वक अपने बेटे की तरह। रोक टोक से नहीं सुनेगा, किसे नहीं सुनेगा, रोक टोक से। तो रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है, और ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो कहता हूं अरे ज्ञानियों खड़क धरो, परशुराम ललकार रहे हैं कि इसीलिए तो कहता हूं कि अरे ज्ञानियों खड़क धरो। ज्ञानियों क्या धरना है, खड़क। इसीलिए तो कहता हूं कि अरे ज्ञानियों खड़क धरो, और अब समझो कि क्या करना है। सिर्फ खड़क धरना ही नहीं है, आगे बढ़ो और समाज के उन सभी लोगों को जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, उनको वास्तव में श्रेष्ठता का मतलब समझाओ। तो इसीलिए तो कहता हूं कि अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो, इस धरती को उस त्रास से मुक्ति दिलाओ,
नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़क महाभयकारी, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं कोई अधिकारी। खड़क को सभी नहीं उठाना, जिसके पास संयम हो ज्ञान हो वही हथियार भी उठाए। असंयमित व्यक्ति हथियार उठाएगा तो समाज में सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वह आज के आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, या बिना मतलब के पत्थर फेंकने वाले, इधर उधर करने वाले, क्योंकि ये असंतुलित हैं, असंयमित हैं। इसीलिए हथियार हमेशा विवेकशील व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को उठाना चाहिए। और यकीन मानिए, जिस दिन समाज के पढ़े हुए व्यक्तियों ने हथियार उठा लिया, वास्तव में जो पढ़े हुए हैं, जो अपने देश का कल्याण चाहते हैं, अगर उन्होंने उठा लिया, ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये आज भी बहुत प्रासंगिक है, इसीलिए मेरी फेवरेट कविता है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, हथियार कौन उठा सकता है, वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। मानवता के गुण भूलता नहीं है, अहंकार में नहीं रहता है। सीमित जो रखे खड़क को पास, उसको आने दो और विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो, क्योंकि और सिर्फ अहंकार में डूबते हैं। मैं श्री राम पर इसलिए क्रोध हो गया था बेटा, क्योंकि मुझे पता था कि वो विप्र नहीं, लेकिन उनके गुणों को देखने के बाद सिर्फ यही महसूस हुआ कि वो अवतार थे, और शायद इसलिए उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया कि हर एक इंसान अगर अपने आप पर कंट्रोल करे तो दुनिया और समाज की कुरीतियों को बड़ी आसानी से दूर कर सकता है। तो चरित्र राम सा हो। लेकिन ये कथा सुनो जरा, कि मैं तुम्हें आगे बताता हूँ कि और क्या करना है। जब जब मैं सरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। ये कर्ण कह रहा है कि सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अयवत तीर तुमने यह कैसा मारा, दहक उठा मन इधर उधर फूटी निर्झर की धारा। मैं शंकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा डरेगी क्या, पाकर तुम्हें किंतु इस वन में हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढाओगे उसको मुझ में जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति मान हो, और तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे बेटा। ये कौन कह रहा है? परशुराम। परशुराम कह रहे हैं, मुझे लगता था कि मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, और मैंने जो वचन किया है कि मैं सिवाय ब्राह्मण पुत्र के किसी और को अपनी विद्या नहीं सिखाऊंगा, उस छल के कारण जो कि मेरे साथ हुआ, मैं और किसी को ये विद्या नहीं सिखाऊंगा, तो लगता था कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, अब इसका सच में कोई पूर्ण नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें पाकर आज मुझे लगता है कि चलो मेरे मरने से पहले ये सब तुम सीख लोगे और इसे तुम आगे बढ़ाओगे। तो कहते हैं, जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्त कमाओगे, और एक बार तुम ही धरती के निक्षत्रिय कर जाओगे, तुम एक बार फिर इसको पूरी क्षत्रिय विहीन करोगे, ताकि ये अहंकार में डूबे लोग समाप्त हो जाएं। तो एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे, निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते हो और माता पिता के इतने भारी। कहते तुम सच में तुम ही ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल है तुम्हारे ऊपर कर्ण, तुम एक ब्राह्मण पुत्र हो। परशुराम जी को वास्तव में पता भी नहीं था, अगर वो कीड़े वाला प्रसंग नहीं आता तो शायद पता भी नहीं चलता, तो वो प्रसंग भी आता है, मन को कचोटता है, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है क्या, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, जैसे कर्ण सुनता है ब्राह्मण कुमार, तो उसका मन कहता है हाय मुझे ब्राह्मण कुमार कह रहे हैं और कहीं ये मेरे लिए एक समस्या न बन जाए। तो किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन, प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसा कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु क्या गुरु को ऐसे छला होगा। झूठ बोलकर इस तरह का छल करके क्या कभी कोई आगे बढ़ सकता है। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और करता क्या दूसरा उपाय।
पी सारा अपमान द्रोण के सामने मैं कैसे पड़ता पैरों में, क्योंकि द्रोण ने क्या किया, द्रोणाचार्य ने अपमान किया, कहा कि मैं कुछ भी हो जाएगा कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा भी वो काट मांगते, अरे मेरा भी अंगूठा तो मांग लेते जैसे उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ, धस जाए वह देश अतल में गुड़ की जहां नहीं पहचान, और जाते गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं यहां सुचर। पैदा हुए तो ठीक था, पैदा हुए तो वीर नहीं होना चाहिए था, और वीर हुए तो ऐसे क्यों हुए कि तुम्हें इन लोगों के बीच जाना पड़ा जहां जाति और गोत्र बताना पड़ता है। नहीं पूछता है कोई तुम व्रति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम कुछ कुल के अभिमानी हो, बार बार कुल और जाति गोत्र आती है, ये नहीं पूछते कि तुम वीर हो कि व्रति हो कि दानी हो। तो नहीं नहीं पूछता कोई तुम व्रति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो, मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके वश में नहीं। अरे जन्म लेना किसी के हाथ में थोड़ी है भाई, है ना, मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्म लोक से नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों के मनुज यहाँ आ सकते हैं, और नीचे क्या क्यारियाँ बनी हैं तो बीज कहाँ से आते। अरे भाई अगर छींट दिया तो कहीं कोई भी जा सकता है, तो सब तो बराबर है ना, तब क्यों जाति गोत्र किए पड़े हो, कौन जन्म लेता, किस कुल में आकस्मिक है यह बात, और छोटे कुल पर किंतु यही बोते कितने आघात, जैसे छोटे कुल में पैदा हो गए तो पाप कर दिया, कितने आघात किए जा रहे हो। हाय जाति छोटी है तो भी सरे सारे के सारे गुण तो मेरे बड़े हैं ना, तो हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, और जाति बड़ी तो बड़े बने, और रहे लाख खोटे के खोटे, चाहे वो जितने भी बुरे हों मन से, लेकिन बड़े लोग हैं भाई, बहुत बड़े लोग हैं। तो ये द्वितीय सर्ग का वो हिस्सा था जहाँ से कर्ण और कर्ण के मन की विचारधारा और भगवान परशुराम कर्ण को जो बातें समझाते हैं उनके बीच के संवाद चल रहे थे। अगले हिस्से में हम ये समझेंगे कि कैसे कर्ण का वह राज खुलता है कि वह वास्तव में एक ब्राह्मण कुमार नहीं है, यानी कीड़ा काटने का प्रसंग अब आता है, तो इसको हम लोग दूसरे हिस्से में समझते हैं, तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं, धन्यवाद।